हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मैं एक जो डीसी मोटर होता है इसको डायरेक्ट एसी सप्लाई में लगाने से क्या होता है, तो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। मेरे पास दो दो मोटर हैं ऐसे डीसी, जो बच्चों के चॉइस में होता है, और ये मार्केट में दोनों मार्केट में मिल जाते हैं 10 से 15 रुपये के बीच में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले तो मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सही है। इस वाले मोटर को वो चेक करके दिखा देता हूँ, ये सही है कि नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। पहले तो इसमें वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं तगड़ा सा वायर लिया हूँ। इसमें मैं दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया हूँ। अब इसको बोर्ड के अंदर लगाऊंगा। ये रहा बोर्ड का प्लग, तो पहले मैं इसको मोटर के अंदर लगा लेता हूँ, उसके बाद प्लग को लगाऊंगा। अब लगाता हूँ प्लग को दूसरे वाले बोर्ड के अंदर। अब लगाते हैं बोर्ड को। अब इसको ऑन करता हूँ। भाई साहब, इन्वर्टर ही डाउन हो गया गाइस, जो कि इसमें लोड बहुत तगड़ा पड़ गया था। अब देख सकते हैं अभी इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन हो गया, तो इससे तो इन्वर्टर ही शॉर्ट कर गया। इसका पता नहीं क्या हुआ है, कुछ हुआ है कि नहीं। फिर दोबारा ट्राई करते हैं, देखते हैं ऑन करके। फिर से इन्वर्टर ऑफ हो गया, इन्वर्टर पे ज़्यादा ओवर लोड पड़ जा रहा है। इसको निकालते हैं बाहर। भाई ये तो शॉर्ट कर रहा है। अब लगाते हैं इस वाले मोटर को। वो वाला तो शॉर्ट कर रहा था इन्वर्टर पर, इसमें लगाने पे इन्वर्टर ही ऑफ हो जा रहा था। इसको चेक करते हैं क्या होता है इसका। इसको लगा दिया हूँ। अब इसको लगाता हूँ दूसरे बोर्ड के अंदर। अब देखता हूँ क्या होता है इसका। इस बार भी इन्वर्टर ऑफ हो जा रहा है, तो भाई मोटर शॉर्टिंग कर दे रहे हैं। तो गाइस ये सब हो रहा है, इसमें लगाने पर मोटर जो है ये शॉर्ट कर जा रहा है, तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। तो यही सब होता है गाइस। तो वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।